तो जो तत्पदम पूर्व परामर्शकम भवति, जो तत्पद है वह पूर्व परामर्शक का बोधक है। जिस चीज की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस विषय वस्तु की हम पहले चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसी क्रम में जिस विषय वस्तु की चर्चा हो रही है उसी विषय वस्तु के बारे में जानकारी है वो दे रहा है। तो कब प्रसंगवश उसको प्रसंग हटा करके हम बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए केवल आचार्य मम्मट ने तत्शब्द का वहाँ उपयोग किया है। जैसे तत्पदम पूर्व परामर्शकम भवति, अतः काव्य लक्षण करणात पूर्वम काव्यम यशसे अर्थ कृते। इतनया पंक्ति काव्यम लक्षण काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे सवे तरक्षतये सद्या परिनिवृत्तये कांता सम्मित्तयो उपदेश युजे इतनया कारिका षट् प्रयोजनानि काव्यस्य निर्दिष्टानि सन्ति। यह बात वो पहले कह रहे हैं, उसी बात को लेकर के आगे बढ़ा करके उन्होंने अतः तत्पदेन काव्य में वो परामर्शते, उसी बात को लेकर के जो तत्पद है वो निश्चित रूप से काव्य का परामर्शक है, काव्य का बोधक है। तथा पदा तत्पदेन काव्यमिति परामर्शते न तो किंचित अन्यत्र, वो किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, वो काव्य की ही बात कर रहे हैं। इसीलिए अगर उन्होंने तत् शब्द का प्रयोग किया है तो ठीक ही किया है। तत्पदम किम रूपम प्रश्न उठता है, तत्पदम किम रूपम, तो तत्पदम सर्वनाम रूपम लक्षणम फलतीति सर्वादीनि सर्वनामानि इदम सर्वनाम लक्षणम। अतः सर्वादीनि पदानि सर्वनामानि उच्यन्ते तदेव तदपदम अंतर भवति, अतः तदपदम सर्वनाम सर्वनाम वर्तते, तत्पदम सर्वनाम वर्तते न तु अन्यत्र। तथा तत्पदम पूर्व परामर्शकम भवति, जो चर्चा निरंतर चल रही है उसी को लेकर के तद शब्द का जो उन्होंने प्रयोग किया, यह बताने का प्रयोग किया है कि मैं काव्य की ही चर्चा कर रहा हूँ, किसी अन्यत्र की नहीं। अतः लक्षण के रूप में यह बात सामने आई, लक्षण के द्वारा सामने आई निकल करके कि यह काव्य की ही चर्चा हो रही है। तद अदोषौ, अब एक पद आया है अदोषौ। अदोषौ क्या है भाई? पहले उन्होंने कहा सर्वादीन पदानि सर्वनामानि उच्यन्ते तदेव तत्पदम अंतर भवति, अतः तत्पदम सर्वनाम वर्तते। जो उन्होंने निर्णय दिया तद तद शब्द का वह इतना है। इसके बाद बता रहे हैं अदोषौ क्या है। तो शब्दार्थौ काव्यम अदोषौ, भाई संसार में ऐसा कोई काव्य है क्या जो दोष से युक्त ना हो? क्या ऐसा कुछ है संसार में जो दोष युक्त ना हो, अदोषौ हो? तो यह विद्वानों का मत है कि मम्मट के काव्य के लक्षण के अनुसार तो कोई भी ग्रंथ काव्य हो ही नहीं सकता, फलितभूत नहीं हो सकता इन संसार में। भाई कौन सी कृति ऐसी है जिस पर दोष नहीं होगा, कौन सा काव्य ऐसा है जिस पर दोष नहीं होगा? तो इसके लिए निर्णय करते हैं कि अदोषौ अर्थात शब्दार्थौ काव्यम अदोषौ इत्यर्थ नई पदेन तदर्थ न अर्था न निषेधा इति भवति, वस्तुतः नई अर्था षट् प्रकीर्तिता। ये छह प्रकार का होता है, जो नई अर्थ है वो छह प्रकार का माना है। जो अदोषौ है उसके विषय में एक जो बात सामने आई कि अदोषौ क्या है, इसको भलीभांति समझाया गया है कि नई अर्था षड्विधा। भाई जब दोष से युक्त यदि काव्य है तो दोष से युक्त काव्य को हम काव्य कैसे करेंगे? और संसार में ऐसा कोई काव्य है नहीं जो दोष से युक्त ना हो, यत् किंचित दोष सब में है। इसीलिए इस बात का वो निर्णय देते हैं कि तस्य अर्थः सर्वविधा वस्तुतः नहीं अर्थः षट् प्रकीर्तितः तस्य अर्थः अभावो ग्रहिते। दोष दुविधा भवन्ति, दोष दो प्रकार का होता है, नित्य दोषा अनित्य दोषाश्च। दोष दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य दोष होता है एक अनित्य दोष होता है। नित्य दोष और अनित्य दोष में अंतर क्या है?
नित्य दोष जो होता है वो पूर्णतया दोषी होता है। आपको समझने के लिए कि नित्य दोष होता है जो पूर्णतया दोषी होता है, अनित्य दोष होता है वह स्थायी नहीं होता, वो स्थायी होता है, कभी है और कभी नहीं है। यह बात विद्यार्थियों के समझाने के लिए कही जा रही है। तो तस्य अर्थाभाव दोषा दुविधा बोन्ति नित्य दोषाश्च अनित्य दोषा, नित्य दोषा अनित्य दोषाश्च। अतः अत्र नित्य दोषा, जैसे कहीं पर अगर ऐसी जैसे छंद दोष हो जाए नित्य दोष हो जाएगा। तो जो यहां बात कह रहे हैं, जो अदोषौ शब्द का तात्पर्य है, वो शब्द कह रहे हैं, शब्द से तात्पर्य अर्थ होता है कि नित्य दोष नहीं होना चाहिए। अनित्य दोष तो चलेगा किंतु नित्य दोष काव्य में नहीं होना चाहिए, वो पूरी तरह बाधक है। अत्र भवन्ति नित्य दोषा अनित्य दोषा, अत्र नित्य दोषा, यहां जो चर्चा की है मम्मट ने जो अदोषौ शब्द की, वहां नित्य दोष की चर्चा हो रही है, अर्थात यह अगर दोष है तो हम काव्य नहीं मानेंगे। अनिवार्यता नित्य दोषा, यहां जो नित्य दोष है उसकी अनिवार्यता को स्पष्ट किया गया है। अतः कथितुं शक्यते यत् भावयन्तौ शब्दार्थौ काव्यम् इति लक्षणम् फलति, इन दो शब्दों की तद दोषौ और शब्दार्थौ की व्याख्या हुई है। अब उसके बाद सगुण क्या है, उसकी सगुणावलंकृति, इन दो शब्दों की व्याख्या हम अगले अंक में करेंगे।